इनके पास आधार कार्ड भी मोदी जी का है। नॉनवेज खाने की क्रेविंग्स तो हर किसी को रहती है, लेकिन वो जो बेस्ट नॉनवेज खाने का जो प्लेस होता है ना, उसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी पे आज का हमारा वीडियो है। वेलकम बैक गाइस, वापस आज को अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग जाने वाले हैं भागलपुर का सबसे बेस्ट चिकन खाने के लिए, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। अभी शाम के बज रहे हैं 5:34, तो अभी चलेंगे। हमारे राइडर प्रोवाइडर जो दो दोस्त लोग भी हैं, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, साथ में चलेंगे। अभी आपको लोकेशन भी बताएंगे कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ मिलती है, आपको सब बताएंगे क्या रेट है क्या नहीं है। तो आप लोग कभी भी भागलपुर आए तो मस्ट ट्राई करें इस प्लेस को। मेरा तो रिकमेंडेशन है बिना गए अभी, क्योंकि हम अक्सर जाते रहते हैं, तो आज सोचे कि वीडियो बनाया जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब डायरेक्ट रोड से कंटिन्यू करते हैं, रेडी होते हैं फटाक से, वो लोग आने वाला है, आपको डायरेक्ट रोड पे मिलेंगे। मिलते हैं गाइस रोड पे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और सरस्वती पूजा का क्रेज तो आप देख ही पा रहे हैं। देखिए गाइस, तो अब बता देते हैं वो कौन सा जगह हम लोग जा रहे हैं। वो है सबौर, सबौर में है ब्रह्मदेव होटल, ब्रह्मदेव होटल, उसी में जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, आपको दिखाएंगे कैसा रहा टेस्ट, कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस सब। रोड पे सरस्वती पूजा का पूरा क्रेज है, भोजपुरी गाना बिहार में ऐसे ही गाने मिलेंगे। जय सरस्वती माता। अर्जुन विसर्जन वाला कार्यक्रम चल रहा है गाइस, पूरा रोड पे अभी विसर्जन वाला ही दिखेगा। सरस्वती पूजा वाई बार। और हम लोग निकल चुके अपने डेस्टिनेशन वाले प्लेस पे। यहाँ पे विसर्जन हो रहा है गाइस। एक राइडर इधर और एक राइडर इधर, और ये हम लोग बाईपास वाले रास्ते पे आ गए हैं। ठंडी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आप फ्रीली टी शर्ट में घूम सकते हैं और एक स्वेट शर्ट में। और ये रहा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा। बाहर से ऐसा कुछ व्यू है गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन वाले प्लेस पे। यहीं पे होटल है जो कि सबौर रेलवे स्टेशन से नजदीक में ही है और सबौर थाना के बगल में ही है, तो यहीं पे है रेस्टोरेंट। तो अभी खुला है, हम लोग चलते हैं अंदर, आपको बताएंगे कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस। स्विगी जोमेटो पे कहीं अवेलेबल नहीं है भैया, तो यहाँ पे आके खाना पड़ता, तो आके ही ऐसा टेस्ट मिलेगा और कहीं नहीं। यही है कुछ यहाँ का व्यू गाइस, जो इंटीरियर वगैरह देख रहे हैं गाइस, ऐसा पहले नहीं था, अभी कुछ टाइम में ही हुआ है, काफी बेहतर हो गया है पहले से। यही सीटिंग स्पेस है कुछ, यही टेबल वगैरह लगा हुआ है, कुर्सी वगैरह, यही सीटिंग स्पेस है। और इसका किचन उधर है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट फाइनली, और ये देखिए हमारे राइडर प्रोवाइडर दोनों लोग। कैमरा साथ में, कैमरा साथ में। अपनी महिला मित्र के साथ बात कर रहा है इधर। तो गाइस इसको जल्दी से जाके इसके नाम पूछे इसके इंस्टाग्राम पे। अभी चिकन बनने में आधा घंटा टाइम लगेगा, पुराना बना हुआ है, क्या कि सरस्वती पूजा है तो काफी कम लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए अभी स्टॉक उतना ये लोग रखते नहीं है, तो अभी बनाएंगे वापस से तो हम लोग को देंगे, इसलिए आधा घंटा रुकना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आधा घंटा रुकना पड़ता है, रुकना पड़ेगा गाइस, फिर मिलते हैं आपको फूड के साथ। इन अंकल का ही शॉप है, देख लीजिए गाइस,
बात करें इसके टाइमिंग की, इसका टाइमिंग है 11 बजे खुल जाती है और रात के 10 बजे तक रहती है। यूजुअली 8 बजे ही स्टॉक खत्म हो जाता है, तो आप पहले देख लें, तो आप थोड़ा जल्दी आके रात का डिनर कर लें बेहतर रहेगा। ठंड खत्म हो गया गाइस, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं आप बेदरक। मैच का क्रेज गाइस, फर्स्ट T20 है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऊपर ले जाइए। तो गाइस हम लोग का आ चुका है खाना, आधा घंटा के बाद आया। खाएंगे हम लोग, बताते हैं खा के रिव्यू। टेस्ट अच्छा है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है गाइस, अभी तुरंत बनाया ना। दो पीस मिलता है एक प्लेट में, बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है गाइस, तो ज्यादा तीखा नहीं है। कैसा लगा टेस्ट, टेस्ट कैसा? अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। अब खा लेते हैं, बाद में बताते हैं कैसा रहा टेस्ट। बहुत तीखा लग रहा है गाइस, बहुत तीखा। स्टार्टिंग में तीखा नहीं लग रहा था, बहुत तीखा लग रहा है। यूजुअली यहाँ का होता है कि स्टार्टिंग में खाओगे तो आपको ठीक ठीक लगेगा, बाद में तीखा लगता है, तीखा बहुत तीखा, लेकिन टेस्टी है। तो गाइस हम लोग खा के निकल चुके हैं फाइनली। बहुत ही शानदार टेस्ट था, और इसका रेट का बता दें 90 rupees पर प्लेट रेट है, और भीड़ रहता है हमेशा ही, आप जरूर आएं और ट्राई करें। अब चलते हैं डायरेक्ट घर पे अपने। तो गाइस हम लोग चिकन खा के निकल चुके हैं, अब ब्लू हिल खुला है, बहुत जल्द रिव्यू आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और रिव्यू आते रहेगा। यहाँ पे ही बसार का सीन चल रहा है गाइस। मेनली कल बसने वाला है पूरा भागलपुर में, लेकिन कुछ कुछ लोग आज ही बसा रहे हैं, तो आज भी आपको क्रेज मिलेगा, कल भी क्रेज मिलेगा, अभी 2-3 दिन तक ऐसा ही क्रेज रहने वाला है पूरा भागलपुर में। क्या आज ट्यूशन, मेनली ट्यूशन स्कूल वगैरह जो स्टूडेंट लोग बैठाते हैं उसका बस रहा है। और हम लोग गाइस पहुंच गए शीतला स्थान चौक, और फुल ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, रेड सिग्नल है, तो हम लोग रेड सिग्नल को फॉलो करेंगे और रुके रहेंगे। टोटो वाले अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइस, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोग पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, लाइन के पीछे है, चल गया निकल गया। बहुत जरूरी एक्शन लेना इन लोगों पे, तभी बदलेगा हमारा भागलपुर गाइस। यहाँ मोदी जी का चाय खुल चुका है, मोदी जी की चाय, बहुत जल्द रिव्यू आएगा गाइस इस पे। ऑफिशियली मोदी जी खोले हैं इसको, इनके पास आधार कार्ड भी मोदी जी का है। ग्रीन सिग्नल लग गया गाइस, हम लोग जा रहे हैं गाइस। एज यूजुअल सरस्वती पूजा वाइब यहाँ भी चल रहा है। गाइज हम लोग आ चुके हैं फाइनली चिकन खा के, तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। आपको स्विगी जोमेटो पे तो मिलेगा नहीं, तो आपको जाके ही टेस्ट करना पड़ेगा, एक जैसा ही टेस्ट रहता है हमेशा। थोड़ा सा वही है कि आपको भीड़ भड़का मिलेगा, थोड़ा लेट सर्विस है, बट एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। थोड़ा तीखा रहता है एज यूजल, उसका टेस्ट तीखा रहता है, लेकिन वर्थ इट है जाना वहाँ पे, जरूर जाएं और रिकमेंडेड भी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, नया वीडियो आते रहेगा गाइस, तब तक के लिए बाय।